राम राम। अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की साधना। अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर स्वयं कैसे प्राप्त करें, मुझे इस विधि पर चर्चा करनी है आज आप लोगों के बीच। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्या आती है, कुछ ऐसी जटिलताएं आती हैं कि हम परेशान से हो जाते हैं। हमें उसका उत्तर क्या है, उसका हल क्या है, हम पता नहीं कर पाते हैं। समस्या कुछ भी हो सकती हो, हम रॉन्ग हैं या राइट हैं, इस समस्या का समाधान क्या है। जब भी कोई ऐसी जटिल समस्या आए तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, आप अपने ही जगह पे कुछ मिनट समय दे करके इस साधना को कर सकते हैं। साधना विधि भी बहुत सरल है, हम साधना विधि पर ही चलेंगे बिना समय को गवाए हुए। जब भी कोई साधना करिए, मन में कोई स्ट्रेस मत रखिए, कोई तनाव मत रखिए, सारे गम को भूलने का प्रयास करिए, बिल्कुल फ्री हो जाए। आपके अंदर कोई और विचार ना हो, आपका मन, आपकी इंद्रियां सिर्फ एक ही काम कर रही हैं, साधना को कर रही हैं। और कोई विचार अपने मन मस्तिष्क में लाने का प्रयास न करिए, विचार कोई आएगा ही नहीं, इतने आप दृढ़ हो जाइए। साधना विधि पे हम चलते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अपने चेहरे पर एक स्माइल लाइए, अपने इष्ट का ध्यान दें, जिसको भी आप मानते हो, अपने गुरु का, अपने इष्ट का, भगवान राम का, भगवान शंकर का, उनका ध्यान देते हुए गहरी सांस लें। अपना सर पूरब की ओर करना है आपको। सर्वप्रथम ऐसे कमरे में जहां ना कोई शोर, ना कोई विघ्न और ना ये सब होने की संभावना हो, उस कमरे का चयन करना है आपको। और अपना सर पूरब की ओर करके सो जाना है। पैर बिल्कुल सीधा हो, दोनों पैरों में 1 फुट की दूरी रखिएगा, बिल्कुल सीधा शवासन जैसे आप सो जाइएगा। अपने दोनों हाथों को कमर के दोनों तरफ रखना है आपको और हथेलियां दोनों आसमान की तरफ हो। आंखें हल्के से स्पर्श करना है, आंखों का आंखों पर, होठों का होठों से स्पर्श होना है, बिल्कुल दबाव नहीं होना चाहिए। आपके शरीर में कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, अंदर एक स्माइल है, चेहरे पर एक स्माइल है, आप अंदर से खुश हैं, ऐसा भाव लाइए। माना कि समस्या है, मगर समस्या का समाधान करने के लिए थोड़ा सा अपने उस माहौल को चेंज करना हो। गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी से थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है। आप समस्या का समाधान करने के लिए साधना कर रहे हैं, इसलिए ऐसे माहौल को बनाना है कि आप बिल्कुल फ्री हैं, टेंशन मुक्त हैं। आप साधना कर रहे हैं, कोई विचार आपके अंदर नहीं जा रही है, चाहे विचार भावनात्मक हो या कोई विचारधारा हो, बिल्कुल उसको बंद करिए, बॉन्ड करिए। आप लेट गए हैं, बिल्कुल सरल भाव में लेटे हैं, आपकी दोनों हाथ कमर के दोनों तरफ आसमान की तरफ हो, हल्की हल्की सांसें लीजिए। मन को एकाग्र करना है आपको। मन को एकाग्र कैसे करना है, यह विधि मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया है कि मन को एकाग्र कैसे करें। उस विधि से जा करके उस वीडियो का लिंक नीचे दिया गया है, उस पर क्लिक करके अपने मन को एकाग्र कर लें। फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आप आंखें बंद करके पूरे शरीर का चिंतन कर रहे हैं, अपने शरीर के एक एक पार्ट को देख रहे हैं, अपने पूरे पैरों को ध्यान से देख रहे हैं और रिलैक्स भाव में हैं। अपने पैरों की उंगलियों को देखें, फिर पंजों को देखिए, फिर ऊपर आ जाइए, पूरे शरीर को बिल्कुल धैर्य, कोई उतावलापन नहीं रहना है, कोई जल्दबाजी भी नहीं करना है, धैर्य के साथ पूरे शरीर का अवलोकन करिए। शरीर में कहीं स्ट्रेस हो तो उसको बैलेंस करने का प्रयास करिए। बिल्कुल प्रसन्न मुख मुद्रा में आइए। उसके बाद जब आपका मन एकाग्र हो जाए तो अपने सांसों पर ध्यान लगाइए। आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, आपका ध्यान इस पर है।
आपके मन में कोई विचार नहीं है, आपका मन और आपकी इंद्रियां सिर्फ एक ही काम कर रही हैं, इस साधना को कर रहे हैं। जब आपका मन थोड़ा सा एकाग्र हो जाए तो एक चिंतन करिए, आप अपने मस्तिष्क को पूर्णतया ढीला छोड़ करके एक चिंतन करिए। चिंतन क्या है? जिस समस्या का प्रश्न का उत्तर आप जानना चाहते हैं, जो समस्या हो जिसका आप समाधान चाहते हैं, चाहे वो कोई समस्या हो चाहे कोई प्रश्न हो, जिसका समाधान चाहते हैं उसका हल क्या है। बड़े बड़े गणितज्ञों ने अपने गणित के अनेकों फार्मूले को सोते वक्त इस विधि से हल कर लिया है। तमाम साइंटिस्ट लोग अपने इसी विद्या द्वारा जो है अपने समस्या का समाधान कर चुके हैं। आप लगातार एकाग्रता से उस समस्या का फोकस करिए। आपके मन में और कोई विचार नहीं है, एक ही विचार है कि उस समस्या का समाधान क्या है। आप इसको लगातार दोहराइए, 2 से 5 मिनट तक इस समस्या को लगातार चिंतन करना है, लगातार दोहराना है। इस समस्या का जो भी समस्या हो, वो आपको पता है समस्या क्या है, उस समस्या का समाधान क्या है, इस पर आप लगातार चिंतन करें, इसका उत्तर क्या है, इसका समाधान क्या होगा। इस प्रश्न का पुनरावृत्ति करना है आपको, और इस प्रश्न की पुनरावृत्ति के अलावा इसके अतिरिक्त कोई बिंदु आपके मस्तिष्क में नहीं होना चाहिए, कोई और विचार नहीं होना चाहिए। जब आप प्रश्न को लगातार पुनरावृत्ति करेंगे, दोहराएंगे, लगातार पुनरावृत्ति करते करते आप नींद में डूब जाएंगे। नींद लगे तो सो जाइए। नींद में आपको स्वप्न दिखाई देगा, या तो स्वयं उस समस्या का हल कर रहे हैं या कोई हल करते आपको समझा रहा होगा। जिस प्रश्न का उत्तर आप जागृत अवस्था में नहीं ढूंढ पाए हैं, इस तरह प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी कोई स्वप्न में दिखाई नहीं देगा, किंतु जब आप जागेंगे और उस समस्या का पुनः जागने के समय चिंतन करेंगे तो आपको उसका हल प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है कि पहले दिन अभ्यास से कोई परिणाम सामने न आए, इसका अर्थ यही है कि आपका ध्यान पूर्ण रूप एकाग्र नहीं था। इसके लिए आवश्यक है कि आपको आत्म सम्मोहन साधना विधि द्वारा अपने मन को एकाग्र करें। ये जो मैं विधि बता रहा हूँ, ये आत्म सम्मोहन का एक विधि है। आप चाहें तो आत्म सम्मोहन विद्या अपने घर बैठे सीख सकते हैं, आधे घंटे समय दे करके। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हाँ, ये जो उपाय मैं बताया हूँ, इस उपाय को करके आप निश्चित ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। फिर भी कोई समस्या अगर आपके लाइफ में, आपके जीवन में चल रही हो, जिसका आप समाधान स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, वो समस्या कोई भी हो, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार का कोई बाधा क्यों ना हो, जरूर मैं उसका निदान अपने भारतीय परंपराओं की तमाम विद्याओं के माध्यम से करूंगा, जिसके लिए प्रभु ने हमको निमित्त बनाया है आप लोग की सेवा के लिए। फिर भी इस साधना को दोहराते रहें, और साधना से जुड़ा कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे बेहिचक आप मैसेज करें, और जब भी कोई साधना करें तो अपनी एनर्जी को रीड करके करें, और यदि आप अपनी एनर्जी रीड करने में असफल हैं तो आप अपना तुरंत का खींचा हुआ फुल साइज का फोटो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं अवश्य ही आपकी एनर्जी को रीड करके आपको सही मार्गदर्शन दूंगा। एनर्जी रीड करने का मेरा कोई शुल्क, मेरा कोई चार्ज नहीं होता है।